हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे शैक्षिक मनोविज्ञान के, तो आज उसी के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और इसमें भी 25 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, गेसाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1935, 1940, 1912 और 1955। इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, 1912 में गेसाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर हुई। ऑप्शन है कलकत्ता में, दिल्ली में, अलीगढ़ में, बनारस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कलकत्ता में हुई थी। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रयोजनवाद संप्रदाय की स्थापना किसने की। ठीक है, प्रयोजनवाद संप्रदाय की स्थापना किसने की। ऑप्शन हो जाएगा मैकडूगल्स ने, कोहलर ने, एंजिल ने या डीवी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मैकडूगल ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहारों की व्याख्या शैक्षिक परिस्थितियों में करता है। किसने कहा था। ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने, थार्न डाइक ने, स्किनर ने या गिलफर्ड ने। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्किनर ने बोला था कि शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहारों की व्याख्या शैक्षिक परिस्थितियों में करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी नहीं है। ऑप्शन है फ्रायड, युग, एडलर, वॉटसन। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वॉटसन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन है आंतरिक अनुभव, उत्तेजना, अनुक्रिया, उपयोग दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपयोग दोनों, मतलब कि आंतरिक अनुभव और उत्तेजना अनुक्रिया दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, मनोविज्ञान की वस्तु विषय वस्तु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन है परिवर्तनशीलता, जटिलता या फिर आनुवंशिकता का प्रभाव या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन देख लेते हैं, मनोविज्ञान की विषय वस्तु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ये चार ऑप्शन थे, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो तीनों पाई जाती है, परिवर्तनशीलता, जटिलता और आनुवंशिकता का प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33, शिक्षा और व्यवसाय में निर्देशन सेवाओं का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, देखिए आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, व्यक्ति में इस प्रकार सूझबूझ उत्पन्न करना कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके। ठीक है, तो शिक्षा और व्यवसाय में निर्देशन सेवाओं का क्या उद्देश्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा उत्तेजना, अनुक्रिया, आंतरिक अनुभव, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, आंतरिक अनुभव नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मनोविज्ञान परिवेश से के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है। ऑप्शन हो जाएगा आर एस वुडवर्ड, एन एल मन ने, विलियम्स मैकडूगल ने या विलियम वुंड ने। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आर एस वुडवर्थ ने दिए ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन,
मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ऑप्शन है सरल, अणु, आनुवंशिकता से प्रभावित और परिवर्तनशील परिवेश से प्रभावित। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सरल। ठीक है, तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या नहीं है? सरल नहीं है। नेक्स्ट है, असमान मनोवैज्ञानिक निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? ऑप्शन है सामान्य व्यवहार का, असमान व्यवहार का या उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, असमान व्यवहार का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा एवं चेतना की अवस्थाओं के वर्णन और व्याख्या के रूप में दी जाती है या कथन किस निम्नलिखित में से किसने किसका है? तो ऑप्शन है विलियम जेम्स का, विलियम वुंड का, जेम्स सली का या वॉटसन का। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, से विलियम जेम्स का ये कथन है, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा स्वयं चेतना चेतना की अवस्थाओं के वर्णन का व्याख्या के रूप की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? ऑप्शन है बालक का, वृद्ध का या प्रौढ़ का या किशोर का। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान से ही समझ में आ रहा है किसका होगा, बालक का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विलियम्स मैकडूगल्स ने व्यवहार की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा की? तो याद रखिए विलियम्स मैकडूगल्स ने व्यवहार की व्याख्या किसके द्वारा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मूल प्रवृत्तियां। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, किशोर मनोविज्ञान से निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन हो जाएगा प्रौढ़ का, बी हो जाएगा किशोर का, सी है बालक का या वृद्ध का। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, किशोर से ही समझ में आ रहा है किशोर मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, किशोर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रकृति निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो ऑप्शन हो जाएगा इस पे कलात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक या साहित्य। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, से वैज्ञानिक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, शारीरिक मनोविज्ञान से निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन हो जाएगा मनोविज्ञान के शारीरिक पहलू का, शारीरिक क्रियाओं का, स्नायु संस्था का या मानसिक क्रियाओं का। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, से मनोविज्ञान के शारीरिक पहलू का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किस प्रकार का विज्ञान माना जाता है? ऑप्शन है विधायक विज्ञान से, नियामक विज्ञान से, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, से विधायक विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में करते हैं? तो याद कि चेतना के विज्ञान के रूप में करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इस पे विलियम वुंड, जेम्स सली, विलियम्स जेम्स या उपयुक्त तीनों, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों ने करी है, विलियम्स वेंट वुंड, जेम्स सली, विलियम्स जेम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वैभिन्न का मनोवैज्ञानिक निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, विकास का, बुद्धि का या फिर व्यक्तित्व का। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। ठीक है, नेक्स्ट है, शाब्दिक अर्थों में साइकोलॉजी से तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है आत्मा का ज्ञान, मन का ज्ञान, दोनों उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, से आत्मा का ज्ञान। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रयोग प्रयोगात्मक मनोविज्ञान से निम्नलिखित में से किस प्रणाली के व्यवहार का अध्ययन करता है? ऑप्शन है निरीक्षण का, अंतर्दर्शन का, प्रयोग का, सर्वेक्षण का। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन से निरीक्षण का। ठीक है, तो याद रखिएगा निरीक्षण का व्यवहार का अध्ययन करता है ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विधायक और नियामक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन से अंतर है? ऑप्शन है तथ्य अथवा मूल्य, है अथवा चाहिए, यथार्थ अथवा आदर्श, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी, तीनों हो जाएंगे इस पे। लास्ट है हमारा क्वेश्चन, लोग मनोविज्ञान से निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं? लोक मनोविज्ञान, याद रखिएगा लोक मनोविज्ञान दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा लोक व्यवहार का, भीड़ व्यवहार का, समूह व्यवहार का, या फिर उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से लोक व्यवहार का। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, और भी सब्जेक्ट के भी स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे सारा कुछ आ जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।